फतवों की नगरी देवबंद से दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को आईब्रो बनवाना नाजायज और बाल कटवाने को मुकरू बताया गया है। एक शख्स ने दारुल उलूम के फतवा विभाग दारुल इफ्ता में सवाल उठाया था कि क्या मुस्लिम महिलाएं आईब्रो बनवा सकती है, क्या बाल कटवाए जा सकते हैं। इस पर दारुल इफ्ता यानी फतवा विभाग ने फतवा जारी करते हुए कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का आईब्रो बनवाना नाजायज है और बाल कटवाना मुकरूह है यानी सही नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में हजूर ने फरमाया 10 ऐसी बातों से मनाही की है। उन 10 बातों में महिलाओं का बाल कटवाना आईब्रो बनवाना दोनों आते हैं। फतवे में कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं के बाल उनकी जीनत होते हैं, यानी उनकी खूबसूरती बिना मजबूरी के बाल कटवाना मुकरू यानी गलत है और आईब्रो बनवाना महिलाओं के लिए नाजायज है। इस्लाम में महिलाएं नहीं मर्दों को भी आईब्रो बनवाना नाजायज बताया है। जी बिल्कुल, दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है बहुत सही दिया है, और अब से पहले बल्कि बहुत पहले दारुल उलूम को ये फतवा देना चाहिए था, और इस हालात में ये फतवा दे करके दारुल उलूम ने सही किरदार अदा किया है, क्योंकि आजकल बहुत हालात ख़राब हैं। हमारी मुस्लिम महिलाएं ब्यूटी पार्लर का बहुत इस्तेमाल कर रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द को दाढ़ी से और औरत को सर के बाल से जीनत बख्शी है। इसी जिस तरह औरत को मर्द को दाढ़ी कटाना हराम है, इसी तरह औरत को सर के बाल कटवाना या भवरे वगैरह बनवाना बिल्कुल सरासर हराम है, गलत है। दारुल उलूम का फतवा बिल्कुल सही है, हम दारुल उलूम के फतवे का एहतराम करते हैं और दारुल उलूम का फतवा ही हमारे लिए हतमी फैसला है। को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।